Hi, hello, kem cho? I am Ankit. Welcome to my channel once again. And right now I am in Sambalpur. और मैं संबलपुर घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ का जो अभी मेन अट्रैक्टिव प्लेस है वो आपको वीडियो में आगे जाके मालूम पड़ जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए. So, hello everyone. Right now I am in the Aintapalli Chaka. मैं यहाँ से आप लोग को दिखाऊँगा इको रिट्रीट जाने के लिए रोड कहाँ से कहाँ तक है. मैं दी कैमरा घुमा के आप लोग को कि आप लोग कहाँ से आएंगे तो कैसे इको रिट्रीट के लिए आपको रोड मिलेगा. ठीक तरफ से आया, ठीक है. ये जो प्लेस है ये बरगढ़ की तरफ से आता है. ये जो बड़ा वाला छक है सीधे है सिटी, ये जो वाला आपको दिख रहा है ये वाला सिटी का रोड है सामने का. ये राइट साइड आप बरगढ़ से आ रहे हैं तो आपका लेफ्ट में पड़ेगा. यहाँ से अगर आप घूम जाएंगे तो इधर एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है और लेफ्ट साइड पे एक HP का पेट्रोल पंप है. आपको यहाँ पर डिटेल्स में से कुछ मैपिंग नहीं हुआ है कि इस तरफ इको रिट्रीट है, ठीक है. तो आपको यहाँ से नज़दीक में किसी को पूछ देना है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ. ये जो HP का पेट्रोल पंप है ऑटो का स्टैंड है. यहाँ से आपको भाड़ा मिल जाएगा ऑटो का 200 या 250 रुपया लेते हैं, लेकिन यहाँ से और कोई लोकल ऑटो या लोकल बस ऐसे नहीं चलता है. और ये लोग बोलते हैं अगर आप ग्रुप में आते हैं 30 या 40 जन अगर आते हैं तो यहाँ पर एक बस भी है. ये जो मेरा पीछे दिख रहा है ये जो बस है वहाँ पर आपको पर हेड 30 रुपीज़ पड़ेगा अगर आप ग्रुप में आते हैं. फिर इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे मंजिल की ओर, क्योंकि अब खुद से रोका नहीं जाता है. और आप भी बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए. आफ्टर कवरिंग 2 to 3 किलोमीटर बिल्कुल आपकी राइट साइड पे एक येलो कलर का बड़ा वाला बिल्डिंग आएगा, तो आप समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग्स हैं और बहुत सारी ऐसे राइट जाने के लिए रोड्स हैं. तो आप लोग कहीं घूमना जाए इस वजह से मैं ये बता दे रहा हूँ. फिर कुछ समय के बाद ऐसा एक साइन बोर्ड आएगा, यहाँ से आपको राइट जाना है. जितना जितना हम नज़दीक जा रहे थे उतना ही अंदर ही एक अच्छा ही फील हो रहा था. तो आप भी आइए यहाँ पर और कभी घूम के जाइए और यहाँ की जो फीलिंग्स है, यहाँ की जो वाइब्स है उसको चेक करके जाइए कैसा है यहाँ का वाइब्स. ये संथुलिया स्क्वायर है, यहाँ से आपको राइट घूमना है एंड एयर स्ट्रिप रोड में कंटिन्यू करना है. तो चलिए राइट नाउ वी आर नियरेस्ट टू आवर डेस्टिनेशन. लेकिन डेस्टिनेशन तक आपको जाने के लिए एक बीच में एक रुकावट आएगा, एक नेचुरल अच्छा सा प्लेस आएगा जो आप लोग इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं. तो मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग को अच्छा लगेगा. We'll be right back.
ये जो ब्यूटीफुल प्लेस है इसको छोड़ के जाने का मूड अभी भी नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, अपनी मंजिल कुछ अलग है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फिर इसको छोड़ के हम अभी निकल पड़े इको रिट्रीट के ओर। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। एंड फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो मैं पहले बाइक पार्क कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये प्लेस के बारे में। After enter to the gate, on the right side you will got the bike parking area and on the left side you will got the car parking area. तो पहले अपना व्हीकल यहाँ पर पार्क कर दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग अंदर जाइए, क्योंकि अंदर कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। जो आप सामने गेट देख रहे हैं ये लॉजिंग एरिया है, यहाँ पर आप लोग आके रुक सकते हैं। मैं आप लोग के लिए एक लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ पर आप लोग को सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये जो सामने आप लोग क्राउड देख रहे हैं ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए क्राउड है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो प्राइस लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये नॉलेज आए कि यहाँ पर प्राइस कितना है। यहाँ पर मील्स और डिनर के लिए होटल है एंड यहाँ पर बार भी है, और रिफ्रेशमेंट के लिए गोकुल का एक आइसक्रीम पार्लर भी है, और वाशरूम का भी सुविधा है यहाँ पर। ये जो गोकुल का जो आप दिख रहे हैं सामने आइसक्रीम पार्लर, ठीक उसी के बैक साइड पे वाशरूम की सुविधा है। यहाँ पर बस इतना ही अवेलेबिलिटी है। अगर आप लोग ये प्लेस का सच में मज़ा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक रूम बुक कीजिए, अदरवाइज वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लीजिए। लेकिन हम लोग कोई एक का भी मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आज एक ही दिन में हमें और बहुत सारा प्लेसेस विजिट करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं, बाय बाय। एंड मेरे ब्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे बहुत सारा ट्रैवल ब्लॉग लेके आने वाला हूँ। तो लाइक करके जाइए, क्योंकि ये मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए। Bye bye. See you all once again.